फटाफट रेन का फायदा उठा के हम गुलदाउदी की बहुत सारी जो है कटिंग लगा सकते हैं। इस टाइम पे कटिंग जो है बहुत ही आसानी से चल पड़ेंगी। तो आज मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि गुलदाउदी कटिंग जो है हम कैसे लगाए, जिससे क्या है पौधा जो है कटिंग जो है खराब ना हो और अच्छे से जो है सक्सेसफुली जो है ग्रो करे। तो चलिए बात करते हैं। देखिए अभी क्या है, इस टाइम पे बारिश हो रही है और लगातार क्या है 1 वीक तक जो मौसम है ऐसे ही कच्चा पक्का सा जो है रहेगा, यानी कि मौसम में जो है थोड़ी सी जो है ठंडक होगी। तो इस टाइम पे क्या है हम गुलदाउदी की जो ढेरों कटिंग बना सकते हैं। और आपने नोट किया होगा कि गुलदाउदी पौधे पे क्या है अभी फ्लावरिंग भी चल रहे हैं। फ्लावरिंग आने का रीजन ये है दोस्तों कि हम बहुत सारे जो है कटिंग जो है गुलदाउदी के बनाते रहते हैं। तो अगर हम कटिंग से बनाते हैं तो वो क्या है फ्लावर, अगर हम ऊपर से पिंच वगैरह नहीं करते हैं तो फूल आना जो है वो लाजमी है। तो चलिए सबसे पहले क्या है मैं कटिंग ले लेती हूँ। तो कटिंग लेने की बात करें तो देखिए इनको क्या है मैंने 2 टाइम जो है ऑलरेडी हार्ड प्रून जो है मैंने कर दिए है इस पौधे को। अब क्या है कटिंग इनसे लेके बना लेते हैं, क्योंकि जो ये कलर है मेरे पास यही मदर प्लांट है, तो इसलिए क्या है मैं इसकी कटिंग जो है अभी बनाने जा रही हूँ। तो कटिंग की लेंथ की बात करें तो 3 से 4 इंच तक की लेंथ आप ले सकते हैं। ऊपर का पार्ट लीजिए, टिप्स लीजिएगा। तो देखिए ज्यादा नहीं लेते हुए मैंने 5-6 जो है कटिंग मैंने ले लिए हैं। तो देखिए इतनी सारी कटिंग क्या है मैंने ले ली है। तो चलिए हम इनके जो नीचे की जो पत्तियां हैं जिनको हम क्या है नीचे मिट्टी में दबाएंगे तो जितने भी एरिया होते हैं उनको जो है हमें रिमूव करना होता है, नहीं तो फंगस लग जाएंगे। अगर क्या है हम इनकी कटिंग लगाते समय अगर हम पत्तियां कम रखें तो पौधा जो है कटिंग जो है रूट निकालने में ज्यादा फोकस करेगा। तो ये तो हमने काम कर लिया, सबसे पहले क्या है हमने नीचे की जो बॉटम की पत्तियां होती हैं लीफ होती है उनको रिमूव करना है। और दूसरा काम ये करना है कि इनको जो कट मारना है वो एंगल में थोड़ा सा तिरछा कट मारना है, ताकि जो है रूटिंग के लिए क्या है इनमें जो है अच्छे से ज्यादा स्पेस मिल जाए तो रूटिंग जो है अच्छे से हो पाए। तो देखिए ऐसे करके जो है ये कटिंग रेडी हो गया है। ऊपर की भी पत्तियां मैं रिमूव कर दे रही हूँ। तो जितनी पत्तियां कम होगी उतने ही चांसेस होते हैं जो है पौधे की जो कटिंग है लगने की। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे नोड एरिया है, तो नोड एरिया से थोड़ा सा जो पॉइंट वो छोड़ के अब इनको क्या है एंगल में कट कर देंगे। ये देखिए तिरछा कट कर दिया हमने, तो ये कटिंग जो है रेडी है। सभी इसी तरीके से क्या है मैं पहले कर लेती हूँ जितनी है। और यहाँ पे आप नोट कीजिए, देखिए स्टेम क्या है ये इतना जो एरिया है बिल्कुल खाली है और नोड जो है बिल्कुल ऊपर की तरफ है। तो ये रखने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि बेकार में जो है पौधे एनर्जी लेगा, तो क्या है हम इनको काट देंगे। और बाकी ऐसे करके क्या है जितने भी कटिंग है मैं उनको पहले कट कर लेती हूँ, उसके बाद जो है हम इनमें रूटिंग हार्मोन्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन्स है तो रूटिंग हार्मोन्स का इस्तेमाल कर लीजिए, अगर नहीं है तो सिंपल क्या है आप हल्दी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दालचीनी पाउडर है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके घर पे हनी है तो हनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपके गार्डन में एलोवेरा के पौधे लगे हैं तो एलोवेरा के पौधे का इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा जेल बहुत अच्छा जो है एक रूटिंग हार्मोन्स का जो है काम करता है। तो देखिए ये जो लीव निकले हैं दोस्तों इनको क्या है फेंकेंगे नहीं, ये बहुत अच्छे जो है ये फंगल रिमूवर भी है और एक बहुत अच्छा जो है फर्टिलाइजर भी बन जाएंगे। तो अगर कोई भी पौधे लगा रहे हैं तो उनके जो है बॉटम में रख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैं इनकी कटिंग लगाने के लिए ग्लासेस का इस्तेमाल कर रही हूँ, ग्लासेस थोड़े से बड़े हैं, आप चाहे तो छोटे ग्लासेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी भी कंटेनर में जो आपका आप जो है कटिंग लगा सकते हैं। तो देखिए इनमें क्या है मैंने ड्रेनेज होल जो है बना लिए हैं, तो जो कटिंग जो है पत्तियां जो निकली हुई हैं फालतू में जो हमने निकाला है बॉटम से उनको क्या है ग्लास के जो है नीचे रख देंगे और ऊपर से हम मिट्टी फिल करेंगे। तो अब बारी आती है कि हम इनको लगाने के लिए कौन सी मिट्टी का इस्तेमाल करें। तो अच्छा रिजल्ट के लिए दोस्तों हम इनको जो है रेतीली मिट्टी देंगे। रेतीली मिट्टी में ये फायदा होता है कि किसी भी पौधे की जो कटिंग होती है उनके जड़ों के क्या है फैलाव करने में जो है ज्यादा जो है हेल्प मिलता है, ज्यादा उनको जो है एफर्ट नहीं करना पड़ता है। तो इसीलिए क्या है अगर कोई भी कटिंग लगाए तो आप सिंपल रेतीली मिट्टी में लगाए। तो मेरे पास जो है रेतीली मिट्टी पड़ी है, इनमें देखिए बिल्कुल रेतीली मिट्टी है, इनमें क्या है 80% जो है रेत है और 20% है जो है सॉइल मिक्स है। तो ऐसी मिट्टी लीजिए या फिर आपके पास सिंपल नॉर्मल मिट्टी है तो नॉर्मल मिट्टी में भी आप लगा सकते हैं, ये नहीं कि रेतीली मिट्टी है तो ही लगाए। यहाँ पे देखिए छोटे से ग्लासेस हैं, इनमें भी ड्रेनेज होल हैं और इनमें क्या है पहले मैं कटिंग लगाई हुई थी और कटिंग को क्या है मैंने ट्रांसप्लांट कर लिया है। तो ये ग्लासेस देखिए हम क्या है ऐसे करके रीयूज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं रीयूज कर रही हूँ, अब सब में क्या है मैंने मिट्टी जो है फिल कर लेती हूँ, फिर क्या है हम इनमें क्या है कटिंग लगाएंगे। तो देखिए इतने सारे जो है मैंने ग्लासेस जो है फिल कर ली हैं। तो जो व्हाइट वाले ग्लासेस है मैं इनमें क्या है सिर्फ एक कलर लगाऊंगी और जो रेड वाले ग्लासेस है उनमें क्या है मैं एक कलर लगाऊंगी। तो 2 कलर की कटिंग जो है आज मैं इस ग्लासेस में जो है लगाने जा रही हूँ।
तो यहाँ पे देखिए रूटिंग हार्मोन्स है, किसी भी ब्रांड का आप रूटिंग हार्मोन्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, मैं रूटिंग हार्मोन्स को निकाल लेती हूँ किसी भी साफ सुथरी बाउल में या फिर किसी भी चीज़ में जो है आप निकाल लीजिए। पहले डायरेक्ट क्या है, आप इनके डब्बे में जो है आप पौधों को मत लगाइएगा, बेटर होगा कि आप किसी चीज़ में जो है निकाल लें, जितना आपको इस्तेमाल करना है उतना जो है आप निकाल लीजिए। और मेरे पास देखिए एलोवेरा के पौधे भी हैं, तो एलोवेरा के साथ भी जो है मैं कटिंग लगाऊंगी, तो एलोवेरा की एक ब्रांचेस कट कर लेंगे, इतना इनफ रहेगा। और जब आप कटिंग लगा रहे हैं तो एलोवेरा की ब्रांचेस कट करके एटलीस्ट क्या है 5 मिनट तक जो है, या कम से कम 2-3 मिनट तक जो है इनको छोड़ दीजिए, ताकि इनमें जो है येल्लो येल्लो सी परत होती है, एक रस जो है वो निकल जाते हैं, वो जो थोड़े से पॉइजनस होते हैं तो उनका इस्तेमाल नहीं करना है। तो इसलिए क्या है, मैंने देखिए एलोवेरा मैंने साइड में रख दिया, थोड़े से जो है धीरे धीरे क्या है इनके जो येलो वाले जो तरल पदार्थ होंगे वो निकल जाएंगे, तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे कटिंग को मैं थोड़ी सी गीला कर रही हूँ, गीला करने का मकसद ये है कि जैसे हम ये रूटिंग हार्मोन्स पाउडर लगाएंगे तो ये पाउडर जो है कटिंग में जो है अच्छे तरीके से जो है चिपक जाए, इसलिए क्या है हम थोड़ी सी कटिंग को जो है गीला कर देंगे और किसी भी टूल से मिट्टी में होल कर देंगे। हम डायरेक्ट कटिंग को क्या है पुश नहीं करेंगे, नहीं तो इसके जो सेल्स होते हैं वो जो है टिश्यू होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिनसे क्या है जर्मिनी जो रूट बनने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है कटिंग की। तो इसलिए क्या है आप चाहे तो उंगली की हेल्प से या फिर किसी भी चीज़ से आप इनको पहले होल कीजिए, उसके बाद उनमें कटिंग जो है रख दीजिए। और कटिंग रखने के बाद ज़्यादा दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या है कटिंग रखने के बाद लास्ट में आपने क्या करना है, जैसे ये ग्लासेस है, ग्लासेस को मैं उठाऊंगी और 2-3 बार ऐसे पटकूंगी, टैप करूंगी, जिससे क्या है कटिंग जो है अच्छे से स्टेबल हो जाएगी और मिट्टी जो है अच्छे तरीके से जो है फिल हो जाएगी, कोई भी एयर पॉकेट जो है ऐसे करने से जो है नहीं जो है रह पाएंगे। तो देखिए क्या है, एक कलर तो मैंने लगा लिए, अब बारी आती है दूसरे कलर की। तो दूसरे कलर क्या है, वो मेरे जो है रेड कलर के है, बड़े बड़े से जो है उनमें फूल आते हैं। तो क्या है, जो मेन प्लांट था मदर प्लांट वो टूट गया था गिरने की वजह से, तो जो भी ब्रांचेस टूटी हुई थी उनको क्या है मैं इस गमले में लगा दी। तो देखिए क्या है, अभी कटिंग जो है बहुत बड़ी हो गई है, तो यहाँ पे क्या है मैं कटिंग से जो है कटिंग वापस ले रही हूँ लगाने के लिए। तो 3 पौधे जो है कटिंग लगी है और 3 जो है मैंने कटिंग ले लिए है, और इनको क्या है हम बड़े वाले जो ग्लासेस है उनमें लगाएंगे। तो चलिए इनके लगाने के लिए कटिंग में क्या है हम एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये लिक्विड पड़ा है, ये देखिए येलो येलो सा ये लिक्विड निकला हुआ है। एलोवेरा को हम अगर हम कट करते हैं इस्तेमाल करने से पहले क्या है उनको 5 मिनट या 2 मिनट तक छोड़ दीजिएगा, ताकि ये जो लिक्विड है वो बाहर निकल जाए। अब क्या है हम यहाँ से जो है कट कर देंगे। तो देखिए अब रेडी हो गया जेल हमारा कटिंग लगाने के लिए। तो यहाँ पे थोड़े से मैं इनको थोड़ी सी लूज कर देती हूँ ताकि कटिंग जो है ज्यादा डैमेज ना हो। तो बस हमने क्या है सिंपल सा कटिंग लेना है और इनके अंदर डाल के और एलोवेरा जेल जो है उनको अच्छी तरीके से जो है मिला देना है। तो इनमें देखिए ये कलियां वगैरह भी आ रही हैं, तो क्या है कलियों को हमने हटा देना है, क्योंकि अगर हम कटिंग लगाते हैं कलियों के साथ में तो पौधे में जो रूट है वो डेवलप नहीं कर पाएगा जल्दी से, तो इसलिए कलियों को हटाना बहुत जरूरी है। तो देखिए ऐसे करके क्या है हमने एलोवेरा जेल को इसके ऊपर देखिए चढ़ गया है लेयर। अब हमने क्या सिंपल सा इनको होल करना है और कटिंग को जो है रख देना है। तो देखिए लगाने का बिल्कुल सिंपल फंडा है। तो फाइनली दोस्तों देखिए सारी कटिंग जो है अप्रोक्स जो है लग गई है। अब क्या है लास्ट में इनको जो है टैप करना जो है मत भूलिएगा। तो जैसे देखिए मैं कर रही हूँ, तो अब कटिंग लगाने के बाद बारी आती है इनको पानी देने के लिए। तो पानी क्या है हम सिंपल नहीं देंगे, इनमें क्या है एक चीज का इस्तेमाल करेंगे, वो है दोस्तों फंजीसाइड। तो फंजीसाइड क्या है पानी में मिक्स कर लीजिए, उसके बाद क्या है सभी पौधों नहीं जितने भी छोटे छोटे कटिंग हमने लगाई है कटिंग को जो है दे देना है। तो देखिए ये पानी थोड़ा सा है, तो इसलिए क्या है मैंने फंजीसाइड जो है 1/2 चम्मच के करीब जो है मैंने लिए हुए हैं छोटे चम्मच। तो अच्छी तरीके से मिलाने के बाद क्या है हम इस जो है पानी को जो है सभी पौधों में जो है कटिंग लगाई हमने थोड़ी थोड़ी जो है मात्रा में दे देंगे, और बाद में भी हम ध्यान देंगे कि इनमें क्या है नमी बने रहे, पानी की जो है कमी हमने नहीं होने देना है। अगर एक दिन पानी की कमी हो गई तो पौधा क्या है सूख जाएगा, कटिंग जो है चल नहीं पाएगी। तो देखिए कटिंग तो लग गई, अब बारी आती है कि हम कटिंग को जो है प्लेस कहाँ करें, कहाँ पे रखें। तो हमने क्या है बिल्कुल ओपन नहीं रखना है, हमने कटिंग को वहां पे रखना है जहां पे क्या है शेडी एरिया पड़ता हो या फिर क्या है
ऊपर जो है आपका कोई शेड लगा हो या फिर ग्रीन नेट है वहाँ पे लगा है, या फिर वहाँ पे भी रख सकते हैं जहाँ पे बड़े बड़े पौधे हैं आपके, उसके जो नीचे है छांव में रख सकते हैं या उसी गमले में रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए चारों तरफ से क्या है, पौधे लगे हुए हैं और यहाँ पे धूप जो है बिल्कुल कम आती है, और ऊपर भी क्या है मैंने जो है ग्रीन नेट जो है लगा रखे हैं, तो इसीलिए जहाँ जो है मैंने यहाँ पे इनको रख दिए हैं, यहाँ पे अच्छे तरीके से जो ये पौधा जो है कटिंग जो है ग्रो करेंगी। तो चारों तरफ से जो है कटिंग ढकी हुई है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही।